ये मस्जिद जुमा है। किताब वफाल वफा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 247 में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन कुबा पहुँचे और 3 दिन यहाँ क़याम फरमाया। मंगल, बुध, जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन मदीना की तरफ तशरीफ चले। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी सालम बिन औफ के पास से गुजरे, जिनके घर वादी रनूना में थे, तो नबी बनी सालम बिन औफ के सरदार हज़रत इतबान बिन मालिक और उनके साथियों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हमारे पास उतरिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और इरशाद फरमाया, मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, यह अल्लाह की तरफ से हुक्म की पाबंद है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बेशक मुस्तकिल यहाँ पर न उतरें, लेकिन कुछ देर के लिए या कुछ अय्याम के लिए हमारे यहाँ ठहरें, यह हमेशा के वास्ते हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी। चनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ उतर पड़े और जुमा का वक्त हुआ तो आपने यहाँ पर पहली नमाज जुमा अदा फरमाई। पहले ये मस्जिद आतका के नाम से मशहूर थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज जुमा अदा करने से मस्जिद जुमा के नाम से मशहूर होगी। किताब का नाम है अब्दुर्रसमीन, सफ़ा नंबर 126, वफा उलफा सफ़ा नंबर 820। मस्जिद जुमा वादी रनूना में है, जिसके मुतल्लिक हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि वादी रनूना जन्नत के बागों में से एक बाग पर है। अद्दुर्रसमीन सफ़ा नंबर 128।